काफिर झुटलाने में हैं और अल्लाह उनके पीछे से उन्हें घेरे हुए हैं, बल्कि वो कमाल शर्फ वाला कुरान है लोगे महफूज में। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान हमारे मान में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहते हैं जनाब। और ज़ुबैर भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतनी तेजी से गुजर गया कि आज हम 28वें रोजे में और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ऐसा लग रहा है कि कल ही तो ट्रांसमिशन शुरू हुई थी फिर खत्म हो रही है। और आप लोगों से कल इंशाल्लाह, नहीं तो कल नहीं तो फिर परसों इंशाल्लाह आप लोगों से अलविदा कहेंगे हम। नाहिदीन साई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलाम आपको। और आज मैं क्योंकि इनका तारुफ करवाना चाहूंगी, कल बहुत तारुफ नहीं इनका मैं प्रॉपर करवा सकी, तो मेरे साथ मौजूद हैं अलमास भट्ट जो कि लाहौर से हमारे लिए स्पेशली आए हैं। और मैं आपको ये बता दूं जरा कि सदारती अवार्ड याफ्ता है, और मज़ीद तफसीलात बताऊंगी क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ है तो उसकी तरफ जाना है। तो पहले न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ की तरफ के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन वापस आ चुके हैं हम रमज़ान हमारे ईमान इफ्तार के स्पेशल ट्रांसमिशन। अलमास भट्ट का मैं पहले आपको तारुफ करवा के जा ही रही थी उनकी तरफ के नाच सुनाएं वो, माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उन्होंने विन किया हुआ है। कई अरसे से ये पीटीवी के साथ मुंसलिक रहे, काफ़ी काम इन्होंने किया, लेकिन अब पहली दफा ये हमें हमारे चैनल पे पहली दफा नजर आए। तो हमने कल पहली दफा, हाँ कराची में पहली दफा है। ओ ग्रेट, तो हमने इन्हें रोक लिया, हमने कहा प्लीज आप आज भी रुके जाइए, तो मैं चाहूंगी कि नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया पेश कीजिए। मरह
مدینے والے مرحبا سرور کونین مدینے والے ہم گناہ سکھ چین مدینے والے نام ہونٹوں پہ تیرا محسوس ہوا مل گئی دولت دارین مدینے والے ایک مدت سے ہوں بے تاب زیارت آقا ایک مدت سے ہوں بے تاب زیارت آقا ہو کرم صدقہ حسنین مدینے والے ہو کرم صدقہ حسنین مدینے والے مرحبا سرور کون میں کہاں حقیقت ہی ظہوری کیا ہے میں کہاں میری حقیقت ہی ظہوری کیا ہے عرش چومے تیری نالین مدینے والے مرحبا سرور کون مدینے والے مولا سلامت رکھے جزاک اللہ بہت خوبصورت پڑھا آپ نے جناب آج ان کی تو خوبصورت آواز کل آپ نے سنی لی لیکن کل کا ایک ایسا سانحہ گزرا ہمارے ملک پہ زبیر بھائی کہ وہ بڑا تکلیف دیتا ہے اور پھر میں اگین یہی بات کہوں گی کہ ہم امت مسلمہ ہیں ہم اس کی امت ہیں پھر مجھے میں اس بات پہ میں یقین رکھتی ہوں کہ یہ حرکت جن لوگوں نے کی ہے جو بھی لوگ ہیں وہ کم از کم مسلمان نہیں
वो हो नहीं सकते मुसलमान, क्योंकि एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत का कत्ल है और 150 लोग अब तक खत्म हो चुके। सोचे कैसे इंसानियत को मारना तो दूर की बात है, आपने जो कहा ना मुसलमान नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, वो शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसकी जबान से किसी को तकलीफ पहुंचे, जिसके हाथ से तकलीफ पहुंचे, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो मारना तो बहुत दूर। तो मैं ये सोची थी कि आज हम बात कर रहे हैं कि फितराने पे ईद उल फितर आ गई एक दिन के बाद इंशाल्लाह, कल चांद अगर नजर आता है तो परसों ईद होगी, ईद से पहले एक फितराना अदा करना होता है जी जी। तो तुमको समझाऊं मैं कौन लोग हैं जिनको अब तक ये नहीं समझ आया कि ईद खुशियां बांटने का नाम है, ईद ईद एक दूसरे को लेके चलने का नाम, ईद वो सुन्नत जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अदा की है। बिल्कुल। और ईद के दिन आपने उन लोगों को ये तोहफा दिया। तो आज टॉपिक है हमारा जनाब, हम ईद उल फितर के हवाले से फितराने पे गुफ्तगू करेंगे कि ये वो फितराना। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर साहब प्लीज आप थोड़ी सी मजीद तफसील से इसको बयान करें। जी, ईद उल फितर और सदका फितर जिसे के फितराना भी कहा जाता है, अरबी जबान में इसे सदका फितर कहा जाता है और हम आम तौर पर इसे फितराना कहते हैं। तो ईद उल फितर और फितराना जो है ये दरअसल एक दूसरे के साथ अटैच होकर आते हैं। और पहले फितराने के बारे में बता दूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक ये जो फितराना है ये हर उस शख्स पर लाजिम है जो साहिब इस्तेतात है, जिस पर ज़कात वाजिब है उस पर फितराना भी वाजिब है, और फितराना घर के हर फर्द की तरफ से दिया जाएगा, खा वो बालिग हो खा वो बच्चा हो, चाहे वो एक दिन का पैदा बच्चा भी होता है। बल्कि आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ। और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको नजरे बस से बचाए, आपका भी इल्म बहुत अच्छा है। यहाँ तक मुफस्सरीन कहते हैं कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अभी रहम मादर में है, अभी माँ के पेट में है, तो फितराना उसकी जानिब से भी दिया जाएगा, तो पूरे खानदान की तरफ से दिया जाता है। और फितराना क्या है, फितराने के बारे में ये फरमाया कि जो कि पूरे महीने आप रोजा रखते हैं, उन उस रोजे में जो कमी जो कोताही रह जाती है, जो उसके अंदर जो नक्स रह जाता है, उस तमाम को कंपनसेट करने के लिए फितराना रखा गया। ये फितराना दरअसल उन तमाम रोजों में कोताहियों का एक तरह से फिदिया समझ लीजिए आप, तो ये दिया जाता है। और दूसरी बात ये कि ये जिसको भी दिया जाएगा ये ईद उल फितर की नमाज से पहले दिया जाना चाहिए, बल्कि काफी दिन पहले अगर दे दें तो और भी अच्छी बात है, ताकि वो शख्स भी ईद की खुशियों में आपके साथ शामिल हो सके। दूसरी बड़ी अहम बात जो है वो ये है कि ये जो ईद उल फितर है, ईद उल फितर को भी मनाने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पूरा एक बड़ा मुबारक तरीका रहा है। आप नए कपड़े अगर हैं तो नए कपड़े पहनते थे, वरना धुले हुए साफ कपड़े पहनते थे, खुशबू लगाते थे, एक रास्ते से ईदगाह की तरफ जाते थे और दूसरे रास्ते से वापस ईदगाह से आते थे घर की तरफ, ताकि क्योंकि वो कहा जाता है कि ईद के दिन गलियों में सड़कों में फरिश्ते खड़े हुए होते हैं, तो आप जब एक रास्ते से जाते हैं ईदगाह की तरफ और फिर दूसरे रास्ते से आते हैं तो आप कई फरिश्तों से एक साथ मुलाकात करके आते हैं। और ईद का दिन वो दिन है कि जिसमें अल्लाह ताला आसमानों में फरिश्तों से कहता है कि बताओ उस शख्स को मजदूरी उसकी क्या होनी चाहिए जिसने के पूरा महीना मजदूरी की, तो फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह उसे उसकी पूरी पूरी उजरत मिलनी चाहिए, तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरी इज्जत की कसम मेरे जलाल की कसम तुम इस बात पे गवाह रहना कि मैंने अपने बंदे को उसकी उजरत पूरी दे दी, यानी उसकी मगफिरत कर दी, उसकी बख्शिश कर दी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ईद उल फितर और सदका फितर को मजीद डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम और अब मुझे जाना है क्योंकि किचन में, तो किचन में जाने से पहले हमें ज्वाइन किया रमीज कादरी साहब ने, तो रमीज कादरी साहब से हमने नाज सुननी है, तो इंशाल्लाह आप भी अपना हदिया पेश कीजिए और मैं उसके बाद किचन में जाके आज की रेसिपी भी जानती हूँ। तो रमीज साहब आप माइक लीजिए और अपना हदिया पेश कीजिए। नाज मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के,
मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, खिलाता है मुझे मेरा खुदा सदके मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, और जिसे खाकर अबू बकर उमर उस्मान बनते हैं, जिसे खाकर अबू बकर उमर उस्मान बनते हैं, रुतबे में तुझे से है जुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, शेरे खुद आका अली है उसका दरवाजा, शेरे खुद आका अली है उसका दरवाजा, तू दरवाजे पे आ और ख्वाजा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। सुभान अल्लाह। और हमारे साथ गयूर मोइज़ मुस्तफ़ा कवाल भी हैं, तो आप लोगों को भी खुश आमदीद कहते हैं जनाब। इस वक्त मैं किचन में जा रही हूँ, उसके बाद और प्लीज़ जी आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिएगा ताकि मैं ये किचन वाला काम कर लूँ पहले। जी आप आज हम क्या बना रहे हैं, पहले ये मैं ये पहले जान लूँ ताकि आपकी बात मैं भी सुन सकूँ, मेरे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जी अच्छा, आज जो हम बना रहे हैं क्योंकि हमने चाट वगैरह सब इतनी खा ली है, अब जरा थोड़ा सा हल्के पे आ जाते हैं ताकि ईद पे भी आप बच्चों को ईद के लिए भी जरा ये चिकन तैयार हो जाए ना। बना रही हूँ अच्छा चिकन क्रिस्पी चिकन आप इसको कह सकते हैं। और इसको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है इसकी, लोगों की शिकायत होती है चिकन अंदर से सख्त है या ड्राई है, तो मैंने इसको चिकन लेके, और चिकन को आपने स्किन के साथ लेना है। अच्छा ठीक है। और इसको मैंने पानी लिया एक कप, उसमें 6 टेबलस्पून सिरका डाला, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल के इसको सोक कर दिया, और नमक और लहसुन अदरक भी डाल दी ताकि ये बैटर में नहीं फ्राई होती, ये सूखे मैदे और कॉर्नफ्लावर में फ्राई होती। बस ये बना रही हूँ, और इसके साथ मैं बना रही हूँ गुलगुले। ओके गुलगुले गुलगुले हम बना रहे हैं। गुलगुले के लिए तो मैदा चाहिए, यीस्ट चाहिए, नहीं डाल दूंगी अगर है तो वो मैदा लेना है, उसमें खमीर डालना है और आधा कप दही से और पानी से फेंटना है ताकि वो जब फूल जाएगा तो बस फिर हम, और वो चाय के साथ भी इतने मजे के होते हैं गुलगुले। मुझे तो शादियां याद आ जाती है, हमारी शादियों में खासतौर पे माइयों के दिन बना करते हैं गुलगुले। ये वाले जो गुलगुले ये टर्किश गुलगुले हैं। अच्छा उसी टाइप के होंगे मगर ये फूले भी और गोल गोल वैसे ही होते हैं। जी जनाब, डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत बातें बता रहे थे फितराने के हवाले से। जी मैं ये कह रहा था कि एक और भी अहम बात है फितराने के हवाले से, वो ये है कि फितराना है क्या, मतलब कितना होना चाहिए। तो एक बात याद रख लीजिए कि आम तौर पर यह समझ लिया जाता है कि वो 150-200 रुपए का फितराना है एक फर्द की तरफ से, हकीकत में ऐसा नहीं है। ये दरअसल आपका अपना जो लिविंग स्टाइल है, आपका अपना जो खाना पीना है उसके लिहाज से उसके ऊपर कयास करके रखा गया है। अगर आप ऐसा खाते हैं जैसे आप गंदुम खाते हैं
तो गंदम के लिहाज से उसका पैमाना होगा, अगर आप जौ और किशमिश खाते हैं तो उसके लिहाज से पैमाना होगा। तो आसान अल्फाज में अगर मैं समझाना चाहूं तो ये कि आपके घर में रोजमर्रा जो आप खाते हैं उसका एवरेज अगर समझ लीजिए 200 रुपए का बनता है, तो फितराना फिर आपको 200 रुपए अदा करना है। और आप घर में इस तरह की डिशेस खाते हैं, आम तौर पर खाते हैं, कि जिसका एवरेज 500 रुपए या 800 रुपए बनता है, तो आपको दरअसल वो 500 या 800 रुपए फितराना पर पर्सन देना होता है। गोया ये आपकी अपनी लिविंग स्टाइल के लिहाज से रखा गया है, ये नहीं है कि हम उसमें कम से कम करें। चावल सिंपल सा खाना बनता है, मेरा फितराना कितना बनता है? आपकी बात सही है, मैं इसमें आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मैं नहीं, बहुत अच्छा सवाल है कि मैं एक बड़ा वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन मेरे घर में सादा गिजा खाई जाती है और मिसाल के तौर पर 200 रुपए बनते हैं, तो उसूलन तो ठीक है मुझे देने चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं वेल ऑफ हूँ, तो जब मैं चाहता हूं कि मेरा रब मुझे बेहिसाब अता करे, तो मैं अपने रब के रास्ते में गिनती कर सके क्यों करूं? मुझे भी तो आगे बढ़कर आगे आना चाहिए ना। तो ये सारी बातें, और अब देना किस किस को चाहिए, वो मदाद कौन सी है जिनको देना चाहिए, जैसे अभी सादिया ने कहा था कि रिश्तेदारों का हक पहले, ये बात ठीक है, लेकिन किन किन को देना चाहिए, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक मुख्तसर से ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात को आगे बढ़ाएंगे।